की श्रेणी में जॉन डियर ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर 7 नए तगड़े बदलाव किए हैं। पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बदलाव की बात, इस ट्रैक्टर के अंदर पहले कंपनी डीजल कूलर नहीं देती थी, लेकिन अब कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर डीजल कूलेंट सिस्टम देने लगी है, जिसके कारण किसान भाइयों इस ट्रैक्टर का जो डीजल है वो अच्छी तरीके से वर्न होता है, और जितनी अच्छी तरीके से डीजल वर्न होता है ट्रैक्टर अपनी पावर टॉर्क का इस्तेमाल उतने बेहतर तरीके से कर पाता है। तो भाई साहब यहाँ पर कंपनी आपको 50-50 HP के ट्रैक्टरों में जॉन डियर जो है भाई साहब अब डीजल कूलेंट सिस्टम देने लगा है। और एक चीज़ और शानदार कंपनी ने ऐड की हुई है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप जो देख रहे हैं भाई साहब क्या होता है, हमारे किसान भाई कंपनी ने इस मॉडल को पर्लिंग स्पेशल बनाया हुआ है। तो भाई साहब हम सूखी जमीन भी में इस ट्रैक्टर को चलाते हैं भाई साहब, खेत में आग लगाने के बाद, पराली के बाद, तो खेत में बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है जब भूसा मशीन वगैरह में चलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई साहब कंपनी ने भाई साहब रेडिएटर प्रोटेक्शन कवर इसके अंदर दे दिया है, जिसके कारण नीचे की तरफ से जो धुंध उठती है, धुआं डस्ट उठती है, वो भाई साहब इस रेडिएटर को कहीं ना कहीं भाई साहब एक सेफ्टी के रूप में या सेफ्टी गार्ड के रूप में सुरक्षा प्रदान करने वाला है। और तीसरा बड़ा बदलाव मुझे जो लगा भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर, वो है भाई साहब इस ट्रैक्टर का सबसे छोटा स्पॉटी स्टेयरिंग व्हील, जो कि भाई साहब इस ट्रैक्टर की स्टेयरिंग को कम से कम टर्नआउट पे अधिक से अधिक ट्रैक्टर की टर्निंग का मजा आपको देता है। तो किसान भाई इस ट्रैक्टर की कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे, क्या कैसे बदलाव हुए हैं, इस ट्रैक्टर की कीमत वगैरह क्या होने वाली है, और एक नया बदलाव चौथे बदलाव की बात कर लेते हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर किसान भाइयों कंपनी आपको भाई साहब 14928 की जगह अब आपको कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर 15928 का टायर देती है, जिसके कारण अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर और अच्छा ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा भाई साहब मिट्टी के साथ। ऐसे ही फीचर्स कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर भर भर के दिए हुए हैं, 3 से 4 और तगड़े फीचर्स हैं जो कि भाई साहब इस ट्रैक्टर को और ज्यादा अनोखा और कमाल का जबरदस्त ट्रैक्टर बना देते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत रोचक और शानदार होने वाली है। तो किसान भाइयों अगर आप इस ट्रैक्टर या कृषि के किसी भी तरह के इम्प्लीमेंट को खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास एक बढ़िया रिकमेंडेशन आपके लिए है। आपको ट्रैक्टर कारवा साइट पर जाना है, यहाँ पर अपना नाम और नंबर दर्ज करना है, यहाँ पर आपको नए ट्रैक्टर के साथ साथ पुराने ट्रैक्टर या कृषि के किसी भी तरह के इम्प्लीमेंट की पूरी जानकारी विस्तार मिलेगी। इतना ही नहीं किसान भाइयों खरीदने पर आपको लोन सुविधा भी मिलेगी। मैंने इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर डाल दी है, जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको किसान भाइयों ट्रैक्टर का पूरा मॉडल आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, क्योंकि भाई साहब कई लोग बोलते हैं आप पहले मॉडल नहीं दिखाते। तो भाई साहब ये है किसान भाइयों का 50 HP की श्रेणी में सबसे ज्यादा शानदार और जॉन डियर का पॉपुलर मॉडल, जो कि किसानों के बीच में इस समय बहुत ज्यादा डिमांडिंग मॉडल बना हुआ है, जॉन डियर का 50-50D फोर व्हील ड्राइव। इसके अंदर आपको गियर प्रो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो गियर है भाई साहब वो पांचवा बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप इस ट्रैक्टर के अंदर AV देखते थे, हाई लो, अब भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने C गियर ऐड कर दिया है, जिससे भाई साहब आप A के अंदर 3 गियर ले सकते हैं, B के अंदर 3 गियर ले सकते हैं और C के अंदर 3 गियर ले सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब आपको 9 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर का मजा जो है देखने के लिए मिलेगा। तो कैसा लगा भाई साहब ये पांचवा इस ट्रैक्टर का तगड़ा बदलाव, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं भाई साहब वीडियो में और आगे, और भाई साहब अभी 2 तगड़े बदलाव और रह गए हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, फॉलो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहां पर यदि मैं बात करूं किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के इंजन की, क्योंकि कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर को एक बेस्ट फ्यूल इफिशियंस इंजन भी बना दिया है, तो यहाँ पर आपको जो है बॉश कंपनी का 3 सिलेंडर के साथ में आने वाला प्लंजर पंप देखने के लिए मिलेगा, जो कि भाई साहब फ्यूल की सप्लाई मिनिमम से मिनिमम देता है, नॉमिनल देता है, जिसके कारण हमारा ट्रैक्टर एक बेस्ट फ्यूल इफिशियंस इंजन के साथ में आने वाला ट्रैक्टर बन जाता है। तो भाई साहब जॉन डियर इसके अंदर ऑफर करता है 50 HP का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में आने वाला कूलेंट कूल्ड डीजल इंजन, जो कि भाई साहब 540 से लेके 2100 रेटेड RPM के साथ में लगभग 205-210 Nm का टॉर्क आपको जो है जनरेट करके देने वाला है। यहाँ पर यदि मैं रेडिएटर वगैरह के साइज की बात करूँ तो कंपनी ने काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का रेडिएटर रखा हुआ है, जिससे ये ट्रैक्टर लंबे समय तक चलाने पर भी एक बेस्ट और शानदार कूलेंट सिस्टम आपको ऑफर करता है। साथ ही किसान भाइयों यहाँ पर यदि मैं बात करूँ एयर फिल्टर की, तो ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिलेगा, और भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनाल्डसन का जो है आपको कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर एयर फिल्टर दिया हुआ है, जो कि भाई साहब BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के अंदर यूज़ किया जाता है। तो भाई साहब क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, ये चीज़ भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। साथ ही किसान भाइयों एक्साइड कंपनी की 12V 88 Ah के साथ में आने वाली बैटरी मिलेगी। तो ब्रांडिंग वाइज जॉन डियर भाई साहब अपने हर एक प्रोडक्ट के अंदर
क्वालिटी काफ़ी अच्छी जो है आपको ऑफर करता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा उन किसान भाइयों को जो भाई साहब जॉन डियर के ट्रैक्टर चला रहे हैं, ठीक है, और भाई साहब बैटरी के अंदर आने वाली समस्या से परेशान रहते हैं, तो भाई साहब ये जॉन डियर का शानदार सातवां हिडन फीचर्स आपको बताता हूँ। जॉन डियर अपने हर एक ट्रैक्टर के अंदर हिडन फ्यूज देता है, जिससे भाई साहब आप जब बरसात के दिनों में अपना ट्रैक्टर खड़ा करते हैं ना, तो भाई साहब बस आप जो ये क्लैंप्स लगी हुई है यहाँ से आपको ये दो क्लैंप्स खोलनी है, और दो क्लैंप्स खोलने के बाद इन दो नटों को खोल के भाई साहब आप ये फ्यूज निकाल लीजिए, ट्रैक्टर की करंट सप्लाई टोटल बंद हो जाएगी और भाई साहब आपकी जो बैटरी है वो आपको एक लॉन्ग और शानदार लाइफ भी प्रदान करने वाली है। तो ये हिडन फ्यूज या हिडन फीचर्स आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और इस तरफ भी यदि मैं बात करूं तो अल्टीनेटर वगैरह की मैं बात करूं तो 12 वोल्ट 3600 एमपीएल का अल्टीनेटर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा। यहां पर जो टेंडम पंप है कंपनी ने भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं बात करूं तो कंपनी ने डबल पंप, आसान सी भाषा में डबल पंप दिए हुए हैं, जो कि भाई साहब 30 से 35 लीटर लगभग ऑयल की सप्लाई आपको देने वाले हैं, जिससे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक या पावर स्टेयरिंग एक बेस्ट और अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगी। साथ ही स्टेयरिंग वाइज यदि मैं बात करूं तो सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग ऑल टाइम फेवरेट रही है भाई साहब जॉन डियर की। यहां पर यदि मैं बात करूं तो 12 वोल्ट 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर टीवीएस लोकास कंपनी की सेल्फ स्टार्टर मोटर आपको जो है इस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इस ट्रैक्टर के फ्रंट में यदि मैं फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट वगैरह की बात करूं तो यहां पर कंपनी ने पर्लिंग स्पेशल नॉन क्रॉस वाली हैवी ड्यूटी फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट दी हुई है, जो कि भाई साहब ट्रैक्टर को यदि आप पानी के अंदर भी डाल के चलाते हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि इसके अंदर भाई साहब काफ़ी शानदार और स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट भाई साहब कहना चाहिए ऑयल सील वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल भाई साहब ये तो हो गई इस ट्रैक्टर की इंजन स्पेसिफिकेशन। अब हम बात करते हैं और भी ज़्यादा बात, तो यहाँ पर टायर वगैरह की मैं बात करूँ तो कंपनी ने भाई साहब इसके अंदर जो है 9/5/20 का टायर आपको ऑफर किया हुआ है, जिससे आपको ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। और पिछला टायर भाई साहब जैसे कि अदर कंपनियां 14/14 के टायर दे रही हैं, लेकिन जॉन डियर ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर 15/28 का टायर दिया हुआ है। तो भाई साहब ट्रैक्शन सॉफ्ट कंट्रोल भी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, मिट्टी के साथ जुड़ा रहेगा ट्रैक्टर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई साहब, यहाँ पर जो स्टेयरिंग व्हील है कंपनी ने छोटा कर दिया है, तो स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सिंगल वाटर सेपरेटर मिलेगा, सिंगल डीजल फिल्टर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ चलते हैं तो भाई साहब बैठने के बाद जो फ्रंट में आपको विजिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी एकदम क्लियरली मिल जाएगी, शानदार आपको विजिबिलिटी मिलेगी। और स्टेयरिंग व्हील बहुत अच्छा लग रहा है, स्पोर्टी कर दिया है कंपनी ने। इस ट्रैक्टर के ड्राइवर के यदि मैं राइट तरफ की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको जो है ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर मिल जाएगा, लिप्टोमेटिक भी कंपनी ने दे दिया है, मतलब लेटेस्ट समय के ऑल टू ऑल सारे फीचर्स जॉन डियर ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिए हुए हैं। ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूँ तो मैन चार गियर आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब भाई साहब 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स गियर का ऑप्शन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ बात करूँ तो ABC और रिवर्स का गियर मिल जाएगा। यहाँ पर भाई साहब आपको जो है फोर व्हील टू व्हील का लीवर मिल जाएगा। PDU के अंदर यदि मैं बात करूँ तो 540 स्टैंडर्ड और 540 इकोनॉमी PDU आपको मिल जाएगा। साथ ही किसान भाइयों यदि आप इस ट्रैक्टर में रिवर्स PDU भी चाहते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये नॉमिनल चार्ज देके ऑन डिमांड के हिसाब से इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब आप रिवर्स PDU भी जो है एड ऑन करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भाई साहब हैं। मोबाइल स्टोरेज बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही भाई साहब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो जॉन डियर का वही वाला है जो कि ऑल टाइम से फेवरेट रहा है। और भाई साहब जॉन डियर के ट्रैक्टर में आपको वो पूछने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशियल गियर या लॉक दिया है या नहीं दिया। मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ में आने वाली सीट वगैरह मिल जाएगी, कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर भाई साहब कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर के अंदर दोनों तरफ आप देख सकते हैं जॉन डियर भाई साहब पैसेंजर ग्रैब हैंडल या ड्राइवर ग्रैब हैंडल भी एड ऑन कर दिया है। पहले आपको जो है सिर्फ राइट तरफ देखने के लिए मिलता था या लेफ्ट तरफ, तो दोनों तरफ भाई साहब बहुत टाइप आपको एड ऑन कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। पिछले हिस्से में चलते हैं भाई साहब, टूल बॉक्स की यदि मैं बात करूं तो फाइबर क्वालिटी का दे दिया है, जंग वगैरह की समस्या खत्म, ना लगेगी जंग ना होगी बंद। पिछले हिस्से में बात करें तो भाई साहब टापा जो है ना 52 का यूज़ किया गया पिछले की तरफ, तो यहाँ पर टॉप लिंकिंग पॉइंट भाई साहब फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वार के साथ में 3 पॉइंट मिलेंगे। हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल मिल जाएंगे। और PDU पावर की भी बात करूंगा भाई साहब। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ भाई साहब, यदि इस मॉडल के अंदर भी यदि आप चैन नहीं चाहते, स्टेप बार चाहते, तो भाई साहब डीलरशिप में बोलो, सारी चीज़ ऑन डिमांड जॉन डियर प्रोवाइड करा के देता है, ठीक है। PDU वगैरह की यदि मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 42 हॉर्स पावर की PDU मिल जाएगी, जो कि एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ में
आपको खेती किसानी को ऑलमोस्ट जरूरत के सारे काम करके देने वाली है। लिफ्टिंग वगैरह की यदि मैं बात करूं तो 1800 से 2000 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लिफ्टिंग कैपेसिटी कंपनी ने इस मॉडल के अंदर ऑफर की हुई है। और एक चीज बता दूं भाई साहब, इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की हमने कई बार बात की है, तो भाई साहब कोई किसान भाई मुझे ये जानना चाहता है कि ये ट्रैक्टर भाई साहब इस ट्रैक्टर की औकात क्या है एट दी एंड लास्ट डीजल खाने की घंटे पर लीटर की, तो कमेंट करना, मैं वो भी आपको बता दूंगा। 240-70 किलोवाट का और 158.6 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है, और पीडीयू के अंदर 30.3 किलोवाट के साथ में 41.2 हॉर्स पावर की पीडीयू। और भाई साहब जब ट्रैक्टर में पावर परफॉर्मेंस की बात आती है तो 41 हॉर्स पावर की पीडीयू पावर है, लेकिन भाई साहब 45 हॉर्स पावर की पीडीयू पावर के ट्रैक्टरों को भी ये पछाड़ देता है। ओवरऑल ये थी जानकारी जॉन डियर के 50-50D ऑलमोस्ट फेवरेट मॉडल 50-50D 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो दबा के लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।